Okay, Jai Hind students, so we will do this chapter of patterns, and in this we will do today the page number 21 in your KYA book. So here you can see there are certain figures and they are actually following a repeated pattern. So yahan par ek koi repeated pattern chal raha hai aur uske hisab se we have to think that what figure will come next. सो यू कैन सी हेयर इट इज़ अ सर्कल और सर्कल में चार पार्ट्स हैं और एक शेडेड पार्ट है और शेडेड पार्ट शिफ्ट हो रहा है यहाँ से फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा यानी कि इट इज़ मूविंग इन अ क्लॉक वाइज मैनर सो क्लॉक की तरह ये चल रहा है पैटर्न सो अब ये यहाँ पे आया फिर यहाँ पे चला गया और फिर अब ये यहाँ पे आ गया और अब यहाँ आ गया एंड नाउ इट विल गो हेयर एंड देन इट विल शिफ्ट टू दिस पार्ट So these are the answer figures. In this case also you have some triangles and the triangles have a plus sign in the in between or a circle and ye alternate way mein chal raha hai ek bar plus ek bar plus circle so in the end you will get a plus first and then a circle. Is case mein bhi aisa hi hai ek U shape wire hai fir usko ulta kar diya aur fir usse triangle shape mein wire ho gayi aur yahi pattern chal raha hai. सो ये उल्टा यू है और फिर ए टाइप पैटर्न है तो जिसको ही हम फॉलो करके दिस विल बी योर आंसर इन द नेक्स्ट देर इज़ अ ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर नेक्स्ट विल कम ट्राइंगल देन सर्कल एंड देन स्क्वायर ऐसा ही इसमें है ये एक पैटर्न है फिर स्क्वायर है फिर वो पैटर्न रिपीट होगा फिर स्क्वायर होगा फिर वैसे ही होगा और एंड में फिर एक और स्क्वायर आ जाएगा एक स्क्वायर है उसके अंदर एक डॉट है एंड द डॉट इज़ एक्चुअली मूविंग इन अ क्लॉकवाइज मैनर यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से नीचे आ गया फिर नीचे से यहाँ शिफ्ट हो गया फिर ऊपर चला गया सो इट इज़ मूविंग इन अ क्लॉकवाइज मैनर सो यहाँ से अब ये यहाँ पे आ जाएगा फिर इधर से इधर आ गया और फिर इधर से ये इधर जाएगा सो इसमें दो मिसिंग फिगर्स थी वो हमने यहाँ पर बना ली हैं नेक्स्ट दिस इज़ अ सर्कल और इसमें एक शेडेड पार्ट है और शेडेड पार्ट भी एंटी क्लॉकवाइज वे में घूम रहा है ठीक है सो ये देखो ये पहले यूं था और फिर ये हल्का सा टिल्ट हो गया यहाँ पे, फिर ये हाफ हो गया फिर इधर टिल्ट हो गया फिर ये हाफ हो गया फिर हल्का सा टिल्ट हो गया सो ये एंटी क्लॉकवाइज बैनर में घूम रहा है तो अब ये यहाँ से इस तरफ टिल्ट करेगा तो यू विल गेट अ हाफ सर्कल लाइक दिस और फिर ये यहाँ से फिर पीछे टिल्ट करेगा एंड दिस विल बी योर नेक्स्ट फिगर इसमें एक पैटर्न है जिसमें कि पहले ये ऑल्टरनेट ये वाली शेडेड रहती हैं फिर ये वाली शेडेड हो जाती हैं फिर वही वाली शेडेड होती हैं फिर दूसरी तो ये वाला हर अल्टरनेट वे पे रिपीट हो रहा है ठीक है तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यही वाला आएगा सो दिस इज़ योर आंसर फिगर्स टू सो नेक्स्ट अगेन ये दो फिगर्स हैं एक डॉट है और एक क्रॉस है और ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं सो ये इधर से इधर आ गया और ये इधर से इधर आ गया तो फिर अब ये ऐसे 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 ही घूमेगा सो इधर से फिर ये इधर आ गया और यहाँ पर डॉट आ गया फिर इधर चला गया फिर इधर आ गया सो दिस इज़ द पैटर्न एंड ये इसके दो आंसर फिगर्स बन रहे हैं बेस्ड ऑन द clockwise pattern next we have growing pattern यानी कि इसमें कुछ बढ़ रहा है बार बार grow कर रहा है तो आगे क्या grow होगा वो आपको देखना है so इसमें देखो ये कुछ lines हैं पहले एक line थी फिर दो हो गई फिर तीन हो गई फिर चार हो गई अब क्या होगा पांच lines होंगी so answer will be C इसमें भी ऐसे तीन तीन dots का एक set है फिर वो तीन dots का set फिर बढ़ गया अब तीन तीन सेट के हो गए और अब चार तीन सेट्स हो गए और अब पांच तीन सेट्स हो जाएंगे सो द आंसर विल बी ए नेक्स्ट वी हैव अ रिंग इसके अंदर बीड्स हैं पहले दो बीड्स पहले एक बीड फिर दो फिर तीन चार और अब पांच बीड्स सो दिस विल बी योर आंसर नेक्स्ट वी हैव सम एरोज पहले दो एरोज फिर तीन फिर चार फिर पाँच और अब सिक्स एरोज वाला आंसर होगा यानी कि सी इसमें भी ऐसे ही है ट्राइंगल्स बढ़ते जा रहे हैं वन थ्री फाइव सेवन यानी ऑड नंबर्स में बढ़ रहा है तो नेक्स्ट होगा नाइन सो दिस विल बी योर आंसर
इसमें भी एक फिगर है जो बढ़ती जा रही है, 3, 4, 5, 6, तो अब नेक्स्ट नंबर होगा 7, सो आंसर विल बी सी। इसमें एक सीढ़ी की तरह, एक लैडर की तरह बढ़ रहा है ये, एक ऐसे बढ़ा, फिर ऊपर एक बढ़ा, फिर यूं बढ़ा, फिर यूं बढ़ा, और अब इधर और बढ़ेगा, सो योर आंसर विल बी बी। इन दिस केस देर इज़ अ सर्कल, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, फिर तीन हिस्सों में, फिर चार हिस्सों में, तो अब नेक्स्ट फिगर में वो 5 हिस्सों में डिवाइड होगा, यानी आंसर विल बी डी। सो कम्प्लीट दिस वर्क स्टूडेंट्स इन योर KYA बुक। थैंक यू एंड कीप लर्निंग ऑल्सो दिस थिंग।